आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी का उपवास करने से समस्त पापों का नाश होता है तथा इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति भी मिलती है। योगिनी एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेम माली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेम माली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेम माली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उन्होंने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेम माली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेम माली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेम माली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेम माली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव महादेव भगवान शिव का अपमान किया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तक्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन ना हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेम माली वहाँ गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हे माली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हे माली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हे माली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही ना रहा और दोपहर तक पुष्प ना पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेम माली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। योगिनी एकादशी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।